नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अदालत ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया है। तो कविता चावला कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 की पहली करोड़पति बनी है। कविता चावला ने बताया कि पिछले साल जब वो हॉट सीट तक नहीं पहुंच सकी थी तो उनका दिल टूट गया था। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का मामला सामने आया है। तो उधर महाराष्ट्र की 608 ग्राम पंचायतों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना को महज 20 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को 28 जगहों पर विजय मिली है। इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे में 42 साल के जोमैटो डिलीवरी बॉय पर 19 साल की लड़की को जबरन किस करने का आरोप लगा है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अदालत ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए ये माना है कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस आरडी धानुका और कमल खाता की बेंच ने कहा कि बीएमसी राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती, जिसमें ये मांग की गई है कि वो अनधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दे। अदालत ने कहा कि यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे। अदालत ने बीएमसी को आदेश दिया है कि वो 2 सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण को गिरा दे। यही नहीं, कार्रवाई के 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपे। बेंच ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और अगले 1 सप्ताह के अंदर इसे जमा कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान नारायण राणे के वकील ने अदालत से अपने आदेश पर 6 सप्ताह के लिए रोक की मांग की, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल नारायण राणे की कंपनी ने अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि वो आदेश दे कि बीएमसी निर्माण को मंजूरी प्रदान करे। कविता चावला कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 की पहली करोड़पति बनी है। कविता चावला ने बताया कि पिछले साल जब वो हॉट सीट तक नहीं पहुंच सकी थी तो उनका दिल टूट गया था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैं सेट पर बैठी रो रही थी, तब अमिताभ बच्चन जी ने मेरे पास आकर कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मैंने वापसी करने का फैसला किया। इस बार मेरा मिशन था जीतना। कविता ने बताया कि पिछले साल उन्हें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले राउंड से ही घर वापस जाना पड़ा था। उनके हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाने की वजह से लोग उनसे बहुत ज्यादा निराश थे। हालांकि कई लोगों ने उन्हें टॉन्ट भी मारे और कहा बन गई करोड़पति। अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए कविता चावला ने कहा कि मैंने कभी भी उनके जैसा इंसान नहीं देखा है। उनमें घमंड या गुरूर जैसा कुछ भी नहीं है। उनके बारे में कहने के लिए भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका बर्ताव हमें बहुत ज्यादा सहज महसूस करवाता है। वो इतने ज्यादा फ्रैंक है कि मैंने उनके साथ ढेर सारी मस्ती की। कविता ने बताया कि केबीसी में जाना उनका सपना था और इस सपने को पूरा करने में उन्हें 21 साल और 10 महीने लगे। साथ ही बताया कि जो पैसे वो शो में जीती है उसे वो अपने बेटे के भविष्य के लिए निवेश करेंगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो आगे पढ़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे भारत की यात्रा करना चाहती हूँ और इसकी सुंदरता का अनुभव करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की उम्र 17 साल बताई जा रही है। दरअसल बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते शुक्रवार की रात आरोपी युवक अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था। इस दौरान उसने तलवार से 21 केक काटे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये देखकर हैरान रह गए। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये वीडियो बोरीवली इलाके में शूट किया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी हुई है। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी तरह की बढ़ती घटनाओं के आलोक में पुलिस ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद घातक है और इसे हर हाल में रोकना होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ भी बर्थडे पर चाकू की बजाय तलवार से केक काटना एक युवक को भारी पड़ गया। बर्थडे का वीडियो वायरल होने के बाद उसे हवालात की हवा खानी पड़ी। मामला अहमदाबाद के साजीपुर बोघा इलाके का है। यहाँ एक युवक ने रात को सड़क पर खड़े होकर बर्थडे मनाया। उसने 2-व्हीलर पर 6 केक रखकर उसे तलवार से काटा था।
एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते सत्ता गंवाने वाले उद्धव ठाकरे को शिवसेना में आए संकट के बाद पहली बार हुई सियासी परीक्षा में असफलता हाथ लगी है। महाराष्ट्र की 608 ग्राम पंचायतों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना को महज 20 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को 28 जगहों पर विजय मिली है। इस तरह एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना को जमीन दिखा दी है। यही नहीं, इस चुनाव में सबसे बड़ी विजेता बनकर भाजपा उभरी है, जिसने 125 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी बड़ी जीत हासिल हुई और उसके खाते में 188 सीटें आई है। कांग्रेस को 53 सीटें मिली है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा है कि भाजपा को 259 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है। वहीं शिंदे कैंप के खाते में 40 सीटें जीतने का दावा किया है। ग्राम पंचायतों के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारते हैं ताकि ग्रामीण इलाकों तक में अपना प्रभाव बना सके। पंचायत चुनावों का तो यूं विधानसभा या फिर लोकसभा इलेक्शन से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में माहौल को बताने के लिए इनकी अहमियत मानी जाती है। शिवसेना के लिए महज 20 सीटें ही जीत पाना चिंता की वजह है। उद्धव ठाकरे लगातार झटके झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 42 साल के जोमेटो डिलीवरी बॉय पर 19 साल की लड़की को जबरन केस करने का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला येवलेवाड़ी इलाके की नामित सोसाइटी का है। पीड़ित लड़की इंजीनियरिंग की छात्रा है, वो कोंडवा के एक कॉलेज में पढ़ती है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि 17 सितंबर की रात करीब 9:30 पर जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था। कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर उसके कमरे तक पहुंचा। उसने लड़की से कहा कि उसे प्यास लगी है और पीने के लिए पानी चाहिए। लड़की ने आगे बताया कि जब वो पानी लेकर आई तो डिलीवरी बॉय उससे उसके घर वालों के बारे में पूछने लगा। लड़की ने उसे बताया कि वो फ्लैट में अपनी दो दोस्तों के साथ रहती है, जो कि इस समय अपने घर गई है। ये सुनकर डिलीवरी बॉय ने लड़की से दोबारा पानी मांगा। पीड़िता का कहना है कि उसे ये अजीब लगा। इसके बाद जब लड़की पानी लाने के लिए मुड़ी तो जोमेटो बॉय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गाल पर दो बार किस किया। लड़की ने इसका विरोध किया, वो वहां से चला गया। आरोपी ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, अगर किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। अपार्टमेंट से जाने के बाद डिलीवरी बॉय ने लड़की के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए। इससे तंग आकर पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की जब्ती या नीलामी पर राज्य के अधिकारी जिस तरह के वेतु के आदेश पर पारित कर रहे हैं, उस पर पटना उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कथित जब्तियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। दरअसल बीजेपी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना है कि विकास के लिए भारत को किसी दूसरे देश के नकल करने के बजाय भारत बनकर ही रहना होगा। तो उधर कश्मीर को करीब 3 दशकों के बाद मनोरंजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा घाटी ने पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इस बीच बच्चे की कस्टडी के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने शादी को लेकर अहम टिप्पणियां की है। अदालत ने कहा कि शादी का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुख पाना नहीं बल्कि परिवार को आगे बढ़ाना भी है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की जब्ती या नीलामी पर राज्य के अधिकारी जिस तरह के बेतुके आदेश पारित कर रहे हैं, इससे नाराज पटना उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप टिप्पणी में कहा कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की ओर से शराबबंदी कानून का पालन करने में दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए राज्य के आबकारी आयुक्त को शराब अपराधों, सामाजिक प्रोफाइल में की गई गिरफ्तारी पर पिछले 3 महीनों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गिरफ्तार किए गए, जब्त किए गए और छोड़े गए वाहनों की संख्या विभिन्न अधिकारियों के पास लंबित पड़ी है। अदालत ने ये भी कहा कि शराबबंदी कानून निस्संदेह बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन खराब तरीके से हो रहा है, जिसे बिना दिमाग लगाए लागू किया जा रहा है। अदालत ने आबकारी आयुक्त को 1 सप्ताह के भीतर ऐसे सभी डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए इस पर अपनी खीज जाहिर की और कहा कि आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जब्ती के मामलों को निपटाने के तरीके वादियों ने भी झुंझलाहट व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी स्वतंत्र दिमाग से निर्णय लेना नहीं जानते हैं, उन्हें बिहार न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के एक बयान ने न सिर्फ विरोधी खेमे बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं को ही हैरान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कथित जातियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। ममता ने ये भी कहा कि बहुत लोग नहीं जानते कि सीबीआई अब पीएमओ नहीं बल्कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। 2014 से मोदी सरकार की आलोचक रही ममता के बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को एक तरह से क्लीन चिट देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जातियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 69 मत पड़े। इस दौरान ममता के बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया। ममता ने कहा कि हर दिन बीजेपी नेताओं की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी से गिरफ्तार कराने की धमकी दी जा रही है। क्या केंद्रीय एजेंसियों को देश में इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन कुछ भाजपा नेता है जो अपने हितों के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत का कहना है कि विकास के लिए भारत को किसी दूसरे देश की नकल करने के बजाय भारत बनकर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन, रूस, अमेरिका बनने का प्रयास करेंगे तो वो नकल करना होगा। भागवत ने कहा कि ऐसा करने पर लोग तमाशा देखने जरूर आएंगे, लेकिन वो भारत का विकास नहीं होगा। भारत के इतिहास और उसके धन व रण गौरव को लगातार गलत बताने वाले लोगों पर विश्वास करना गलती थी। विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए भूगोल की जानकारी व इतिहास पर गर्व करना जरूरी है। मोहन भागवत ने कनेक्टिंग विद द महाभारत पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने प्रयास किए कि हम अपने देश को, अपने इतिहास को भूल जाए। वे हमें बता रहे थे कि हमारे इतिहास में कुछ नहीं है, कोई धन गौरव रण गौरव नहीं है। वे हमारे ग्रंथों को गलत बता रहे थे। ऐसे लोग इस तरह की बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें स्वार्थ साधना था। महाभारत रामायण को कविता कहानी बताया गया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या कोई कल्पना इतनी लंबी चलती है। उन्होंने कहा कि वेद व्यास को सिंहासन की आस नहीं थी और वे एक ऋषि थे, ऐसे में महाभारत में व्यास गलत क्यों बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सुख और दुख आने जाने वाली बात है और हमें अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए, यही महाभारत का बोध है। कश्मीर को करीब 3 दशकों के बाद मनोरंजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा घाटी ने पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। रविवार को भी सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में सिनेमा घरों की शुरुआत की थी। खबर है कि इस मल्टीप्लेक्स में आमिर खान स्टार लाल सिंह चड्ढा के प्रीमियर से फिल्मों का प्रदर्शन शुरू होगा। इस मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन होंगी जहां 522 दर्शक एक बार में फिल्म का मजा ले सकेंगे। 30 सितंबर को सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा का प्रदर्शन होगा। फिलहाल दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच 3 शो चलाने की योजना है। बाद में दर्शकों की संख्या को देखकर इसमें बदलाव किए जाएंगे। 1990 के समय में कुछ सिनेमाघरों को खोलने की कोशिशें की गई थी, हालांकि आतंकवाद के चलते प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। सितंबर 1999 में आतंकियों ने लाल चौक पर स्थित रीगल सिनेमा पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था। कहा जाता है कि 80 के दशक तक घाटी में करीब 1 दर्जन सिनेमाघर थे, लेकिन मालिकों को दहशतगर्दों की तरफ से मिली धमकियों के चलते वो बंद हो गए। सिन्हा ने इस अवसर को ऐतिहासिक करार देते हुए पुलवामा में संवाददाताओं से कहा कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर के हर जिले में ऐसे बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल बनाएंगे। आज मैं ऐसे सिनेमा हॉल पुलवामा और शोपियां के युवाओं को समर्पित करता हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार इससे कोई संदेश देना चाहती है, सिन्हा ने कहा कोई संदेश नहीं है। बच्चे की कस्टडी के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने शादी को लेकर अहम टिप्पणियां की है। अदालत ने कहा कि शादी का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुख पाना नहीं बल्कि परिवार को आगे बढ़ाना भी है। अदालत ने कहा कि यही एक आधार है जिससे परिवार की चेन आगे बढ़ती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी शादी में बच्चा कपल के बीच उन्हें आपस में जोड़े रखने का आधार होते हैं। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि दंपति के बीच संबंध खत्म हो सकते हैं, लेकिन उनका बच्चों के साथ माता और पिता के तौर पर संबंध बना रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के लिए उसके माता और पिता दोनों अहम होते हैं, भले ही उनमें से किसी ने अन्य से शादी कर ली हो। वकील दंपति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये टिप्पणी की।
दरअसल वकील शख्स ने अदालत की ओर से दिए गए कई आदेशों के बाद भी पत्नी को अपने बच्चे से मुलाकात नहीं करने दी थी। इसके बाद महिला ने अदालत का रुख किया और कहा कि पति ने पेरेंट्स के तौर पर उसके अधिकारों को खारिज करने की कोशिश की है। ऐसा करना गलत है और उसके अधिकारों को खारिज करने वाला है। जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि बच्चे को अपनी ही माँ या पिता के खिलाफ खड़ा करना गलत है, ये एक तरह से उसे अपने ही खिलाफ करना है। एक बच्चे को सीधे तौर पर दोनों हाथों की जरूरत होती है, यानी माँ और बाप उसके लिए जरूरी होते हैं। बच्चों को पूरी जिंदगी और खास तौर पर वयस्क होने तक पेरेंट्स की जरूरत होती है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि दुनिया ऐसे मोड़ पर है जहां लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ रहने की जगह बनाने के लिए वैश्विक एकजुटता महत्वपूर्ण है, तो चीन चिंता का कारण बनता जा रहा है। वो जिस तरह से अलग अलग वेरिएंट के हथियार बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लंबी लड़ाई की प्लानिंग कर रहा है। वही जापान में शक्तिशाली तूफान नान माडोल ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से जापान के कई शहर इलाके प्रभावित हुए हैं। तबाही मचाने के बाद तूफान अब प्रशांत महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो उधर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम शुरू होगा। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जमकर मजाक उड़ाया। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि दुनिया ऐसे मोड़ पर है जहां लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ रहने की जगह बनाने के लिए वैश्विक एकजुटता महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ की सद्भावना एम्बेसेडर प्रियंका चोपड़ा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मेलन में उद्घाटन टिप्पणी में कहा कि वैश्विक नेताओं के लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया की नींव की रक्षा के लिए एक साथ आना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। हम आज अपनी दुनिया में एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ खड़े हुए हैं और ऐसे समय में वैश्विक एकजुटता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी दुनिया कोविड-19 के विनाशकारी प्रभावों के बीच संघर्ष कर रही है। जलवायु संकट हमारे जीवन पर गंभीर असर डाल रहे हैं। दुनिया में संघर्ष बढ़ रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, विस्थापन, भूख और असमानताएं एक न्यायसंगत दुनिया की नींव को नष्ट कर देती है, जिसके लिए हमने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया। हालांकि भले ही दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पास सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक कार्य योजना है। इन लक्ष्यों को 2015 में दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर बनाया गया था। विश्वास करें, हमारे पास दुनिया को बदलने का एक असाधारण अवसर है। हम अपने लोगों के कर्जदार हैं, इस प्लैनेट के कर्जदार हैं। हम सभी जीने के लिए एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया के हकदार हैं, और वर्तमान और भविष्य आपके हाथों में है, हमारे हाथों में है। चीन जिस तरह से अलग अलग वेरिएंट के हथियार बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लंबी लड़ाई की प्लानिंग कर रहा है। और अब वो दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर नए मानव रहित सबमरीन को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट से कई ऐसी तस्वीरें मिले हैं जिनसे पता चलता है कि दक्षिण चीन सागर में महालड़ाई के लिए चीन अपने हथियारों को जुटा रहा है। हालांकि इन ड्रोन पनडुब्बियों को लेकर चीन के इरादे अभी तक जाहिर नहीं हुए हैं, लेकिन विश्लेषकों के बीच ये अटकलें लगाई जा रही है कि वो भविष्य के नौसैनिक अभियानों में प्लेटफार्मों का उपयोग कैसे कर सकता है। चीन इसकी तैयारी कर रहा है। विशेष बात यह है कि चीन बिना इंसानों के चलने वाले ड्रोन पनडुब्बियों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है, और अगर चीन इसमें कामयाब रहता है तो ये समुद्र के अंदर चीन की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसा लगता है कि ये मुख्य रूप से इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही उद्देश्यों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसमें दो प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये गहरे गोताखोरी के बजाय नियर सरफेस और कम स्पीड क्रूजिंग के लिए डिजाइन किया गया है। नेवल टेक्नोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बोइंग निर्मित ओर्का इको वॉयजर प्रोटोटाइप पर आधारित है, जो एक एक्स्ट्रा मॉड्यूलर पेलोड बे सहित 26 मीटर लंबा है। ओर्का समुद्र में महीनों तक काम कर सकता है और बिना किसी जहाज की मदद के लॉन्च हो सकता है। जापान में शक्तिशाली तूफान नाना माडोल ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से जापान के कई शहर इलाके प्रभावित हुए हैं। भारी तबाही मचाने के बाद तूफान अब प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ गया है। इस प्राकृतिक आपदा से जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष केंद्र में एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा क्यूशू क्षेत्र और अन्य इलाकों को मिलाकर करीब 13 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है। खाने पीने के सामान वाले स्टोर बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग काम पर लौटने लगे हैं।
बुलेट ट्रेनों और अधिकांश जमीन पर चलने वाले परिवहन का संचालन फिर से शुरू हो गया है। हालांकि पूर्वोत्तर जापान में दर्जनों उड़ानें रोक दी गई है। जापान की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि क्यूशू द्वीप के दक्षिण में तनेगाशिमा द्वीप पर जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष केंद्र में एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रॉकेट असेंबली के लिए इस्तेमाल की गई इमारत को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा था। आज मध्यरात्रि तक टोकाई में कुल 200 मिलीमीटर, तोहोकू, कांटो, कोशिन और होकुरिकू में 150 मिलीमीटर तक, होक्काइडो में 120 मिलीमीटर तक और किंकी में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। खालिस्तान देश बनाने मांग करने वाले आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के ओंटारियो शहर में रेफरेंडम कराया है। सिख आतंकवादी संगठन का दावा है कि इसमें 1,10,000 सिखों ने हिस्सा लिया है। सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को खालिस्तान देश की राजधानी बनाई जाएगी। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून ने ऐलान किया कि 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम शुरू होगा। पन्नू ने कहा कि कनाडा के लोगों ने शिमला को फिर से पंजाब की राजधानी बनाने के लिए वोट किया है। कनाडा में करीब 10 लाख सिख रहते हैं और इनमें से बड़ी संख्या में खालिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। खालिस्तान समर्थकों को लेकर भारत और कनाडा के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने ओंटारियो में रेफरेंडम पर रोक लगाने में इनकार कर दिया था। खालिस्तान समर्थक ज्यादातर सिख भारतीय नागरिक नहीं है और इनमें से ज्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान से मदद मिल रही है और उसके कथित रेफरेंडम में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक हिस्सा लेते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने लंदन में रेफरेंडम कराया था जिसमें उसका दावा है कि 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। यहां तक कि संगठन इटली जिनेवा में भी रेफरेंडम करा चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी से डर लगता है। इमरान खान ने पंजाब सूबे के चकवाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन की मौजूदगी में शहबाज शरीफ के पैर कांप रहे थे। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक घमासान तेज हो गया। सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेताओं ने इमरान खान के बयान की निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान की बेइज्जती करार दिया। इमरान खान ने रैली के दौरान सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ लोगों में जमकर जोश भरा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के नेताओं ने सोचा कि मैं चुप रहूंगा। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। इमरान खान ने देश में बाढ़ की तबाही के बाद हाल की विदेश यात्राओं के लिए पीएम शहबाज शरीफ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शहबाज की संवेदनहीनता को देखो, वो ऐसी परिस्थितियों में विदेश का दौरा कर रहे हैं। जब देश में बाढ़ आई हुई है तो वो कौन सी लड़ाई जीतना चाहते हैं? इमरान ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ शहबाज की तरह बात करते हुए नहीं देखा। वो उनके पैसे मांग रहा था। वो आपको किस आधार पर पैसे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।